कर्नाटक टाइम्स में आपका स्वागत है। बलह के बहना गांव की बबीता धीमान HPAS परीक्षा पास कर बनी SDM। देखते हैं नेरचौक से यादविंदर कुमार की रिपोर्ट। धन्यवाद। नाम बबीता धीमान है, मैं मंडी जिला के बल्ह क्षेत्र की निवासी हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा DAV सेंटेनरी पब्लिक स्कूल मंडी से की है। उसके बाद मैंने अपनी BA LLB ऑनर्स की पढ़ाई यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज़ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला से की है। उसके बाद मैंने अपनी मास्टर्स यानी कि LLM कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से की है। उसके बाद उसी वर्ष 2022 में मैंने UGC नेट JRF लॉ में क्वालिफाई किया। अभी हाल ही में फरवरी 2023 में मेरा चयन सहायक जिला न्यायवादी हिमाचल प्रदेश की परीक्षा में भी हुआ है और इस समय पर मैं सहायक जिला न्यायवादी के तौर पर सुंदरनगर में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि इस बार मेरा चयन हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा में एक HS अधिकारी के रूप में हुआ है। अपनी इस सिलेक्शन का श्रेय अपने माता पिता, अपने परिजनों व जैसे कि आप जानते हैं कि मंडी जिला को छोटी काशी कहा जाता है, तो सभी देवी देवताओं को और देव कमरूनाथ को देना चाहूँगी। HS अधिकारी बनने की प्रेरणा मेरे माता पिता के संघर्ष से मिली। मेरी माता जी एक गृहिणी हैं, उनकी वर्ष 1998 में एक ब्रेन ट्यूमर की मेजर सर्जरी हुई है और मेरे पिताजी इस समय हिमाचल प्रदेश पुलिस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मेरे माता पिता ने मुझे व मेरी बहन को पढ़ाने के लिए व इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है, इसलिए मैं अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने माता पिता को देना चाहूँगी व मैं अपनी ये सफलता उन्हें समर्पित करना चाहूँगी। ये आज उन्हीं की बदौलत है कि मैं इस मुकाम पर पहुँच पाई हूँ। इसी बात पर मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छी शायरी आ रही है जो मैं हमेशा से बोलना चाहती थी कि मेरी सोच, मेरी हर सोच उनकी ही खोज है। आज मुझ में जो रोशन है वो बस उनकी सोच है। आज मुझ में जो रोशन है वो बस उनकी सोच है। मुझे इस समय बहुत ही गर्व की अनुभूति हो रही है कि मैं इस स्थान पर आ पाई। तो जैसे हम देख रहे हैं कि इस बार हमारे HS के बैच में काफ़ी महिला अधिकारियों का चयन हुआ है और अब मुझे लगता है कि हमारे समाज में, हिमाचल प्रदेश में परिस्थितियाँ बदल रही हैं और अब महिलाएँ भी पुरुषों के बराबर आगे बढ़कर हर फील्ड में अपना नाम रोशन कर रही हैं। जैसे आपने अभी शिमला के इलेक्शंस में देखा होगा, उसमें 34 में से 20 महिलाओं ने सीटों पर अपनी जीत हासिल की है। तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है कि हम आगे जा रहे हैं और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम महिलाओं को पुरुषों के बराबर ला सकें और उन्हें उनके सब अधिकार मिलें। मैं अपनी तरफ से हर व्यक्ति की समस्याओं को सुनने की, उसे हल करने की पूरी कोशिश करूंगी। ये कहा जाता है कि इट्स नॉट अ जॉब दैट वी हैव बीन चूजन फॉर, इट्स अ सर्विस, इट्स पब्लिक सर्विस। तो मैं अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश करूंगी कि जिस काम कार्य के लिए मुझे चुना गया है मैं उसमें अपना 100% दूँ और मैं जितना हो सकती हूँ खुद को लोगों की सेवा में समर्पित कर सकूँ। उनके लिए मेरा सबसे बड़ा जो मैसेज है वो यही है कि बिलीव इन योरसेल्फ। आप खुद में विश्वास करें और खुद पर भरोसा रखें। अगर आज मैं ये कर सकती हूँ तो हिमाचल का हर एक बच्चा ये कर सकता है। बस आपको खुद पे विश्वास रखना है और बस डटे रहना है और पूरे समर्पण के साथ इस पेपर की तैयारी करनी है। मेरा यही संदेश है कि आप अच्छे से पढ़ाई करें, मेंस का सिलेबस देखकर तैयारी करें, उससे आपकी प्रीलिम्स की तैयारी भी साथ में हो जाएगी और बस खुद पर भरोसा रखें। ये हो सकता है कि आपको इस मुकाम पर पहुंचने में समय लगे, जैसे मुझे भी काफ़ी समय लगा। ये मेरा HS की परीक्षा में चौथा प्रयास है और ये मेरा पहला मेंस था और पहला इंटरव्यू था और मैं अगर आज यहाँ हूँ तो आप में से कोई भी यहाँ हो सकता है। इसलिए खुद पर भरोसा रखें, अपने माता पिता का, अपने प्रदेश का नाम रोशन करें। पढ़ने का एक अपना अलग तरीका होता है, वो एक अलग तरह से पढ़ता है, उसकी एक अलग स्ट्रेटजी होती है। मुझे ये लगता है कि शायद इस बात से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं, पर इस बात से बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप जितने भी घंटे पढ़ते हैं आप अपना बेस्ट देकर पढ़ें और अपनी पूरी क्षमता और अपने पूरे दिमाग के साथ और पूरी कोशिश के साथ उस समय पर पढ़ें। तो मेरे ख्याल से मेरा तो ऐसा था कि मैं जब भी पढ़ती थी तब मैं पूरे दिल से पढ़ती थी
और कम से कम जिस दिन में 6-7 घंटे तो आपको पढ़ाई करनी ही चाहिए, पर वो 6-7 घंटे आपको पूरी तरह से समर्पित होकर पढ़ाई करनी चाहिए। अगर आप कम, चाहे आप बेशक दिन में कम भी पढ़ें, जितना भी पढ़ें उतना पूरे दिल से पढ़ें और पूरे दिल से करें। और जहाँ तक मोबाइल की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि मोबाइल का हम इस परीक्षा के लिए एक पॉजिटिव उपयोग भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारे टेलीग्राम पर कितने अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, HP जनरल स्टडीज़ है और बाकी बहुत अच्छे चैनल्स हैं जो वहाँ पर उपलब्ध हैं, जो विद्यार्थियों को इसके संबंध में गाइड करते हैं। कितने अच्छे व्हाट्सएप पे ग्रुप्स हैं और कितने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। तो यदि हम मोबाइल का एक पॉजिटिव उपयोग करें तो भी हम इसमें आगे जा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं सबका अपने पूरे तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मुझे जितना प्यार मिला मैं उसके लिए सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।